आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। मौजूदा दौर में अनियमित दिनचर्या और खराब खानपान के कारण कब्ज और गैस की समस्या आम बीमारी की तरह हो गई है। कब्ज से परेशान लोगों में हमेशा पेट फूलने की शिकायत रहती है। गैस के कारण लोगों को कई गंभीर शिकायतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेट में बनी गैस कभी कभार सीने में जलन, दिल के दौरे का भी कारण बनती है। दरअसल व्यस्त जीवन शैली में लोग कभी भी और कुछ भी खा लेते हैं, जिसके बाद ऑफिसों में बैठे रहने की आदत के कारण गैस बन जाती है। इसके अलावा डिनर के बाद तुरंत सो जाना भी कब्ज की शिकायत का कारण है। पेट में गैस बनने की बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो हम आपको ऐसे कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं। कब्ज की समस्या को दूर करने में जानते हैं घरेलू उपाय कौन कौन से हैं। इसमें नंबर एक पे आता है शहद। कब्ज के लिए शहद बहुत फायदेमंद होता है। रात को सोने से पहले एक चम्मच शहद को एक गिलास पानी के साथ मिलाकर नियमित रूप से पीने से कब्ज दूर हो जाती है। दूसरे नंबर पर है त्रिफला। कब्ज के लिए त्रिफला बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय माना जाता है। त्रिफला शब्द का शाब्दिक अर्थ है तीन फल। त्रिफला तीन चीजों यानी आंवला, बहेड़ा और हरड़ को समान मात्रा में मिलाकर बनता है। 20 ग्राम त्रिफला रात को 1 लीटर पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद त्रिफला को छानकर उस पानी को पी लीजिए। इससे कुछ ही दिनों में कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। या फिर एक चम्मच त्रिफला का चूर्ण दूध या गर्म पानी के साथ लेने से कब्ज दूर हो जाती है। गैस की बीमारी के लिए अजवाइन भी काफी कारगर होती है। 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम त्रिफला और 10 ग्राम सेंधा नमक को बराबर मात्रा में लेकर कूट कर चूर्ण बना लें। रोजाना 3 से 5 ग्राम इस चूर्ण को हल्के गर्म पानी के साथ सेवन करने से काफी पुरानी कब्ज ठीक हो जाती है। इसके अलावा सुबह उठने के बाद नींबू के रस को काला नमक मिलाकर पानी के साथ सेवन करने से भी गैस की समस्या दूर हो जाती है। इससे पेट भी साफ हो जाता है। पेट साफ और गैस खत्म करने के लिए मुनक्का का भी अहम रोल माना जाता है। मुनक्का में कब्ज नष्ट करने के तत्व मौजूद होते हैं। 6 से 7 मुनक्का रोज रात को सोने से पहले खाने से कब्ज समाप्त हो जाती है। इसके अलावा सुबह उठने के बाद बिना कुछ खाए 4 से 5 दाने काजू के और 4 से 5 दाने मुनक्का के एक साथ खाने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। आयुर्वेद में कब्ज और गैस की परेशानी को दूर करने के लिए ईसबगोल का भी अहम रोल माना जाता है। ईसबगोल की भूसी कब्ज के लिए रामबाण दवा है। इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। इसके लिए आप दूध या पानी के साथ रात में सोते समय ईसबगोल की भूसी लें। ऐसा करने से आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। किशमिश। किशमिश भी आपकी कब्ज की समस्या को दूर करने में बहुत मददगार होती है। इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो आपकी कब्ज की समस्या को दूर करते हैं। सूखे अंगूर यानी कि किशमिश पानी में 3 घंटे भिगो दें, फिर उसके बाद किशमिश को पानी से निकालकर खा लीजिए। इसे खाने से आंतों को ताकत मिलती है और सुबह को पेट भी साफ हो जाता है। इससे कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। हर रोज रात में हरड़ को पीसकर बारीक चूर्ण बना लीजिए। इस चूर्ण को कुनकुने पानी के साथ पीजिए। कब्ज दूर होगा और पेट में गैस बनना बंद हो जाएगा। रात को सोते वक्त अरंडी के तेल को हल्के गर्म दूध में मिलाकर पीजिए। इससे पेट साफ हो जाता है, लेकिन दूध के साथ अरंडी के तेल का प्रयोग अपने वैद्य की राय के अनुसार ही करें या फिर इसकी मात्रा बहुत कम रखें। अमरूद और पपीता कब्ज के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अमरूद और पपीता को किसी भी समय खाया जा सकता है। पालक का रस पीने से कब्ज की शिकायत दूर होती है। खाने में भी पालक की सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। अंजीर के फल को रात भर पानी में भिगोकर रख दीजिए। उसके बाद सुबह को उठकर इस फल को खाने से कब्ज की शिकायत समाप्त हो जाती है। कब्ज की समस्या से बचने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और योगा करते रहना चाहिए। गरिष्ठ भोजन करने से बचें। इन नुस्खों को अपनाने के बाद भी अगर पेट की बीमारी ठीक नहीं होती है तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क जरूर करें। अगर आप भी इस तरह के वीडियोस रोजाना चाहते हैं तो आयुर्वेद समाधान को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए हमारी नई वीडियो की जानकारी मिल सके। नमस्कार।